हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज फिर से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों का एक वीडियो चला कर दिखाता हूँ, आप लोग पहले उसको देख लो। तो दोस्तों, वीडियो आपने देख लिया तो समझ गए होंगे मैं किस वीडियो पे आज बात करने जा रहा हूँ। तो ये जो वीडियो आपने देखा, अभी तो इंस्टाग्राम और फेसबुक में ट्रेंड में चल रहा है। तो आप कैसे आपके मोबाइल से ऐसा वीडियो आप बना के छोड़ सकते, उसके बारे में मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिनमें से इस वीडियो को बनाने के लिए दो तीन एप्लीकेशन का यूज़ करके ही इस वीडियो को एडिट करना पड़ता है। लेकिन आपको मैं एक एप्लीकेशन में इस पूरा वीडियो को बना के दिखाऊंगा। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे सिर्फ एक ही एप्लीकेशन का यूज़ करना पड़ेगा, वो है इंसर्ट वीडियो एडिटिंग एप्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको इंसर्ट मोबाइल एप्लीकेशन को ऑन कर लेना है। उसके बाद कॉलेज वाला ऑप्शन पे जाके आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गैलरी में जाना पड़ेगा। गैलरी में जाने के बाद आप जो जो पिक्चर सिलेक्ट करना चाहते हो, ऐसे 9 पिक्चर को आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो पहले आप 9 पिक्चर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पिक्चर को मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको ये टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद आपको लेआउट में जाना है और पहले वाला जो ऑप्शन है इस पर सिलेक्ट करके आपको एक राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग देख रहे हो, ये यहाँ से आप इसको मैनुअली मूव करके एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा सब पिक्चर ओके है तो मैं यहाँ से इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, ये हो गया सेव। तो दोस्तों, ऐसे आप लोगों को 3 कॉलम रेडी कर लेना है 9 9 पिक्चर की। उसके बाद उसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको फिर से होम पेज में आना होगा। होम पेज में आने के बाद फोटो में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक वाइट बैकग्राउंड वाला लंबा पेज मिलेगा जो मैं पहले से डाउनलोड करके रखा हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो मैं उस पेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ऐसे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओपन होने के बाद आपको यहाँ से स्टिकर वाला ऑप्शन में जाना है। स्टिकर वाला ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे फोटो में सिलेक्ट कर लेना है और जो 3 कॉलम आपने रेडी कर लिया थी उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, पहले वाला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है। उसके बाद इसको आपको यहाँ पे टिक वाला ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इन तीनों फोटो को आपको पेज में एडजस्ट करके लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं पहले इसको एडजस्ट करके लगा लेता हूँ। तो दोस्तों, हो गया, मैं इसको एडजस्ट करके लगा लिया। इसके बाद आप इसको, तो फ्रेंड्स, आप इसको यहाँ से फिल्टर यूज़ करके ब्लैक एंड व्हाइट भी कर सकते हो, ठीक है। ये जो एडजस्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे जाकर इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसको रिमूव करना है, बैक में टालना है, ठीक है। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, लेकिन मैं इसको ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रखूँगी, ठीक है, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ से सेव कर लो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हो गया, ये सेव हो गया। इसके बाद फिर से आपको होम पेज में जाना है। होम पेज आने के बाद फिर से आपको ये फोटो वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका ऊपर वाला जो फोटो होगा उसको आपको सिलेक्ट कर ले। तो फ्रेंड्स, मैंने इस फोटो को सिलेक्ट कर लिया और इस फोटो को सिलेक्ट करने के बाद इसका बैकग्राउंड को मुझे रिमूव करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे ये नीचे से स्क्रॉल करते हुए आना है और ये जो कटआउट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, ठीक है। रिमूव होने के बाद यहाँ पे इस वाला ऑप्शन में आना है और ये बॉर्डर को सिलेक्ट करके आपको इसको जीरो कर देना है, ठीक है। जीरो करने के बाद आपको यहाँ से इसको ओके कर देना है। तो हो गया, आपका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। इसको यहाँ से आप सेव कर लीजिए। तो हो गया सेव। इसके बाद आपको फिर से होम पेज में जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, होम पेज में आने के बाद यहाँ पे वीडियो में सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे जो न्यू वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये जो ब्लैंक वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है।
और ओके कर देना। तो ऐसे ही आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा। सबसे पहले तो आपको इसको फ्रेम, इसका फ्रेम सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं इसका फ्रेम ये सिलेक्ट कर लेता हूँ 9:16 करके, मैं इसको ओके कर देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ से स्क्रॉल करते आना है और जो डायरेक्शन वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, और आपका वीडियो कितने सेकंड्स का होगा इसमें आपको डालना है। तो मैंने लिया इसको यहाँ से 15 सेकंड करके ओके कर दिया, ठीक है, और यहाँ से इसको क्लिक कर देना है। तो आपको देखना है वीडियो इतना लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आपको ये जो पॉप वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जो लंबा वाला पिक्चर रेडी किया था उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ऐसे ही आपके सामने ये आ जाएगा। इसके बाद इसको पूरा फ्रेम में फिल करना होगा आपको, तो इस पर दो बार क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको ये जो वीडियो यहाँ से लास्ट में आना क्लिक करना, और जो वीडियो एंड है यहाँ पे आपको क्लिक करना। तो फ्रेंड्स ऐसे आ गया। इसके बाद आपको ये की फ्रेम में क्लिक करना है और आपको इस वीडियो को ऊपर से नीचे तक लाकर यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो को यहाँ से स्क्रॉल कीजिए, यहाँ तक लाकर फिर से की फ्रेम में क्लिक कीजिए। उसके बाद इसको ऊपर तक लेकर जाना होगा और यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ से एडजस्ट करके इसको ओके कीजिए। तो फ्रेंड्स देख लिया, आपका वीडियो रेडी हो गया। आप इसको प्ले करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद फिर से आपको ये बबल ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको आपके जो बैकग्राउंड रिमूव वाला पिक्चर था उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे एडजस्ट करके बिठाना होगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे बिठा दिया आप, और ये जो पिक्चर है इसको यहाँ से पकड़ के पूरा वीडियो तक एंड तक आपको खींचना होगा, ठीक है, ऐसे ही है। इसके बाद यहाँ पे आप कोई भी स्टिकर और लगा सकते हो यहाँ पे पॉपअप ऑप्शन पे जाकर, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें आप सॉन्ग की लिरिक्स भी डाल सकते हो। सॉन्ग की लिरिक्स डालने के लिए फिर से आपको ये पॉपअप ऑप्शन में जाना है, और मेरे पहले से रेडी किया हुआ सॉन्ग की लिरिक्स है उसको मैं डाल दूंगा। वीडियो में जाना है, जाने के बाद ये आ गया मेरा सॉन्ग की लिरिक्स, और इसको तो पहले आप यहाँ से क्रॉप कर लीजिए। तो मैंने इस सॉन्ग की लिरिक्स को काइन मास्टर से एडिट किया है, ठीक है। आप लोग काइन मास्टर से एडिट भी कर सकते हो या फिर यूट्यूब से डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो आप देख रहे लिरिक्स आपके पिक्चर्स के ऊपर आ जाए, इसीलिए आपको ऊपर वाला पिक्चर पर क्लिक कीजिए तो लिरिक्स आपका अंदर चला जाएगा। तो एक बार मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका ये वीडियो हो गया रेडी। यहाँ से आप इसको टिक करके सेव कर सकते हो। तो दोस्तों देखा आपने कैसे मैं इस वीडियो को बनाया। तो आप भी आपके मोबाइल से ऐसे वीडियो बना के फेसबुक और इंस्टाग्राम में छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों यहीं पर ही आज मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। तो दूसरे वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।